हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिटेक लेजेंडरी लॉजिटेक G29 के बारे में, और जानेंगे कि ये व्हील कैसे 2025 में भी रूल करेगा। तो आइए करते हैं बात लॉजिटेक G29 के बारे में। दोस्तों, 2015 में ये व्हील लॉन्च हुआ था, और उसके बाद अब चल रहा है 2024, और कंपनी ने इसमें बहुत माइनर माइनर से चेंजेस करके इसको बार बार लॉन्च भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ था। बट हाल ही में कंपनी ने जो इसका लेटेस्ट मॉडल निकाला है वो सुपर है, बट लेकिन उसकी प्राइसिंग यार उसी के हिसाब से। तो ठीक है, हम उसके बारे में बात कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस व्हील के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये व्हील हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, आपको इसमें लेदर की स्ट्रैपिंग मिल जाएगी, बटन्स आपको काफ़ी सारे बटन मिल जाएंगे, मेटल का यूज़ है, प्लास्टिक जो बिल्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है क्वालिटी में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मेटल का यूज़ हुआ हुआ है, और प्लास्टिक भी इसकी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें आपको 900 डिग्री का रोटेशन मिल जाती है, 2.5 न्यूटन मीटर का फोर्स फीडबैक मिल जाता है, बेल्ट सिस्टम मिल जाता है। ठीक है, जो जो कि मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल यूज़ करो आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, आपको इसमें इसमें अगर आप इसको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और 2025 में भी ये व्हील मुझे लगता है कि रूल करेगा वो, और उसका रीज़न ये है क्योंकि इस प्राइस रेंज के आसपास की ऐसा कोई भी मार्केट में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। और इंडियन की मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट अभी इतनी ओपन भी नहीं है कि लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो अभी के लिए इसमें कुछ बड़े बड़े प्लेयर हैं, नॉट द ओनली मेजर कंपनीज जो हैं वो बाहर की हैं। ठीक है, तो यू नो के बाहर से इंपोर्ट होगा तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसीलिए इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम प्लेयर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौनस की, कि आपको इस व्हील में क्या क्या कौनस मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स फीडबैक, यानी कि आपको इसमें जो फोर्स फीडबैक मिलता है वो सिर्फ 2.5 न्यूटन मीटर्स का है, जो कि काफ़ी कम है। और फिर सेकेंडली बात कर लेते हैं कि इसमें हमें जो सिस्टम मिलता है, गियर सिस्टम मिलता है, वो बेल्ट सिस्टम है, यानी कि जिससे काफ़ी सारी परफॉर्मेंस लूज़ हो जाती है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है, आपकी परफॉर्मेंस भी सफ़र करती है। और तीसरी बात आती है इसके पैडल्स की, तो पैडल्स में आपको ये बहुत ही बेसिक पैडल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये है कि आप इसमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यूजेबल ही नहीं है, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस अच्छा दे देते हैं ये भी फिर भी, बट लेकिन काफ़ी एडवांस पेडल्स अब आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी एंट्री लेवल है। और तो यही था इस व्हील के बारे में। और अब बात कर लेते हैं कि इस रेंज में या इससे कम रेंज में भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं व्हील को, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये 5,000, 8,500, 6,000 रुपये वाले व्हील लें। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, आपको जब भी आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें रोटेशन कम मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी आपको चीप मिलेगी, आपको क्लच नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो सिर्फ ब्रेक और रेस है। आपको जो रोटेशन मिलेगी वो कभी भी 900 डिग्री नहीं मिलेगी, 270 डिग्री मिलेगी या 180 मिलेगी जैसे इसमें है। ठीक है, या 360 मैक्स टू मैक्स हो गई तो 360, मोस्टली देखो 170, 270, 270, 180। ठीक है, इसी के आसपास के आपको रोटेशन मिलेगी, और बिल्ड क्वालिटी भी लॉजिटेक से काफ़ी कम हो जाती है। ओब्वियसली प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है, और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप अमेजोन से जाकर ब्रांड न्यू लॉजिटेक G29 खरीदो कि इतने ही पैसे आपको लगेंगे ही लगेंगे। मैं आपको दूसरा सजेशन ये दूंगा कि आप OLX पे जाओ, अपने लोकल में देखो, सेकंड हैंड मार्केट में जाओ, आपको ये 10 से 15 हज़ार के बीच में ठीक कंडीशन में आपको मिल जाएगा व्हील, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो इन 8 से 7 हज़ार रुपये वाले व्हील से काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बी, यानी कि जो लोग कंपेटिटिव खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस व्हील से दूर रहो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके पैसा वेस्ट हो। हाँ, जस्ट इन केस क्या, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप चाहते हो व्हील का एक्सपीरियंस करना और आप उसी पे प्रैक्टिस अभी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नया, तो मैं आपको दोनों ही सिनेरियोज में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो लिस्टिंग देख रहे हो ये है 32,000 का। ठीक है,
जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस वेस्टिंग है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो 32,000 रुपये में, मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, अपने पैसे में आग लगा दो, लेकिन ये व्हील मत खरीदो, ठीक है? क्योंकि आपको लोकल मार्केट में ये 24 से 25 हज़ार मैक्स, आपको 24 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और मैं अभी फ़िलहाल, मेरी जो लोकेशन है वो दिल्ली के आसपास की है, तो मेरे नियर बाय जो मार्केट पड़ती है वो नेहरू प्लेस है, तो वहाँ से आपको ये आराम से 24 से 25 हज़ार रुपये मिल जाएगा। आपके नियर बाय में जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आप वहाँ पर भी जाके पता कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको इजीली इतने इतने प्राइस में मिल जाएगा। और आप ये बेवकूफ़ी वाली लिस्टिंग से कभी मत खरीदना, ठीक है? और तो बात कर लेते हैं हम, जो लोग कंपेटिटिव खेलना चाहते हैं, यानी कि ई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, रेसिंग में पार्ट्स लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, सबसे पहला मेन जो ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि इसमें बेल्ट सिस्टम हमें मिलता है। अगर आप कंपेटिटिव खेलना चाहते हो, ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट ड्राइव, ठीक है? अब काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आपका बजट है तो। अगर आपका बजट नहीं है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉजिटेक G29 के साथ जा सकते हैं, वो भी यूज्ड, नया मैं जब भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आपके पास जेब में पैसा ही पैसा है और आपको उसमें आग ही लगानी है, तो आप नया खरीद सकते हो और अमेजोन से ही खरीदना, ठीक है? और दूसरे सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, पहला सिनेरियो तो यही है कि आप यूज मार्केट का लॉजिटेक G29 लें, उससे कुछ दिन एक्सपीरियंस करें, अपनी पेस बनाएं, ठीक है? पूरा ई स्पोर्ट को समझे कि कैसे होता है, कैसे आपको ट्रैक पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कैसे आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये वीडियो, इस वीडियो में मैं ई स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप ई स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड हैं और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं ई स्पोर्ट्स में, सिम रेसिंग में, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैटेगरी बी, तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बी वालों के लिए मेरा क्या सजेशन है, और वो यही है कि आप अगर कोई भी व्हील लो तो आप उसको डायरेक्ट ड्राइव व्हील ही लेना, क्योंकि आपको कुछ टाइम के बाद अगर आप ये वाला व्हील ले भी लोगे तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तो आपका ये वाला जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये डायरेक्ट ड्राइव व्हील पर जाओ और थोड़ा अपना बजट बनाकर इस पर इन्वेस्ट करो, ताकि ये आपका लॉन्ग टर्म में आपका काफ़ी साथ देगा। और जो आपको प्राइस और जो फीचर्स आपको डायरेक्ट ड्राइव व्हील देगा, वो आपको बेल्ट सिस्टम वाला कभी नहीं देगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्ट ड्राइव व्हील पे जाओ, क्योंकि इसमें जो बिल्ड क्वालिटी होती है और जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं बेल्ट सिस्टम वाले से, ठीक है? जैसे कि इसमें आपको 5 न्यूटन मीटर्स का डायरेक्ट ड्राइव व्हील पे फोर्स फीडबैक मिलता है, ठीक है? पैडल्स मेटल के होते हैं, स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है? बेस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये आपका एक्सपीरियंस जो होगा लॉजिटेक G29 से मच 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 बेटर होगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन और जो आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कहीं रही होगी, मैं कई हद तक सॉल्व कर पाया हूँ। अगर आपका स्टिल, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं वहाँ आपका रिप्लाई करूँगा।